हे फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन स्पेशल, और अमेजोन से कुछ कैजुअल कुर्तीज़ आप लोगों के लिए मैंने चूज़ किया है जो आप रेगुलर वेयर में पहन सकते हैं, नहीं तो अगर छोटा मोटा पार्टी का फंक्शन है, थोड़ा सा ड्रेसअप होना है, ज्वेलरी ऐड करनी है एंड आप रेडी हो जाएंगे वो छोटे मोटे पार्टी या फंक्शन के लिए। सारी ही कुर्तीज़ आपको कॉटन बेस्ड मिलेंगी मटेरियल वाइज, और प्रिंट्स, पैटर्न, एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क की सारी चीज़ें आप देखेंगे आज के हॉल में। कुछ अनारकली पीसेस भी हैं, स्ट्रेट कुर्तीज़ हैं, सभी टाइप की कुर्तीज़ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अमेजोन से आपने शॉपिंग की है, करनी है हॉल पैक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक मिल जाएगा हॉल पैक का लिंक, जहाँ पे ये सारी कुर्तीज़ के और ड्रेसेस के पिक्चर्स आपको दिखेंगे। जस्ट टैप करना है और अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। एंड आई विश के जब भी ये वीडियो जाए ये सारे पीसेस स्टॉक में रहें। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रिटी सी कुर्ती से, लेमन येलो इसका शेड है, और ये शॉपर स्टॉप ब्रांड से है। बहुत सारे मॉल में शॉपर स्टॉप पैंटालूंस आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कुर्तीज़ होती हैं। ये देखिए, मैंने खुद भी इतनी सारी इनकी ट्राई की हुई है, काफ़ी अच्छी कुर्तीज़ होती हैं। येलो कलर में है और रेड फ्लावर जो बने हुए हैं सारे एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर हैं। इस तरीके से कट आउट है, कोई भी बटन फंक्शनेबल नहीं है। ए लाइन में कुर्ती आपको दिख रही होगी, बट इसके लास्ट में आपको स्लिट भी मिलती है। सो प्लाजोज के साथ बेसिकली इस स्टाइल की कुर्ती ना ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको मिलेगी स्मार्ट स्लीव जो कि एल्बो तक आ रही है। यहाँ पर फोल्डेड एक पैटर्न है और इसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है, जिसका आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लंबी पॉकेट है, एक नहीं दो पॉकेट है। ओके, एक नहीं दो पॉकेट हैं, तो इसमें दो प्लस पॉइंट्स हैं। ये वाली कुर्ती आपको मिल जाएगी हॉल पैक पे अमेजोन से, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। नेक्स्ट इस ब्लू कलर का अनारकली कुर्ती, इस पे सॉर्ट ऑफ कलमकारी प्रिंट है। एग्जैक्टली कलमकारी का ये पैटर्न नहीं होता, बट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं फ्लोरल प्रिंट। देखिए, ब्लू कलर की कॉटन मटेरियल में उसके ऊपर ना लाइट बेज कलर का ये प्रिंट हो रखा है। यहाँ पर आपको ऊपर एक हुक मिल जाता है जो एक फंक्शनेबल है मैंड्रिन कॉलर के साथ। 3/4 स्लीव है और इसका घेरा बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, बट कलियों वाला घेरा है। पहना हुआ आप ट्राई ऑन में देख रहे हैं। कॉटन बेस्ड इसका मटेरियल है जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है हर सीज़न में। इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पूरा ऑल ओवर इसका प्रिंटेड है, और साइड पर आपको डोरी मिलती है। इससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, बट बांध के और साइड पर लटका हुआ थोड़ा सा स्टाइल ऐड करता है, दैट्स इट। ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी वेस्ट लाइन के पास। नेक्स्ट इज अ वेरी सुंदर पिंक कलर का कुर्ती। आप इसमें से जो भी ट्राई करो या नहीं भी करो, अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा हैंडल मित्रा विशाली, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी ट्राई करो मेरे स्टाइल्स में से, तो मुझे टैग ज़रूर करना, मैं अपनी स्टोरीज में उसको रीशेयर करूँगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ब्रांड सांगा कुर्ती, जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हो चुका है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में ना अच्छे स्टाइल की कुर्तीज़, अच्छी क्वालिटी की कुर्तीज़ आपको मिल जाती हैं। तो सांगा कुर्ती से ये पिंक कलर का कॉटन कुर्ती, इसका राउंड नेकलाइन है और आगे की तरफ सारा जो फ्लोरल वर्क है ये एम्ब्रॉयडर्ड है। इस तरीके से स्ट्राइप्स में कुर्ती मिलती है, यहाँ पर स्ट्राइप्स पूरा आपको नीचे तक, और नीचे मरून शेड मिलता है। पिंक और मरून का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर लगता है। रेगुलर वेयर्स में इसको आराम से ले सकते हो, ऑफिस वेयर के लिए ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई करना। जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है, अगर इसके बारे में आप क्वेरी करने वाले हैं, ये आई थिंक अंडर 500 या 600 मेरा हॉल गया था अभी रिसेंटली, मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। और ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है हैंडमेड ब्यूटीफुल सी, आप लोगों के लिए कलेक्शन आने वाला है। अगर आ चुका होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, अगर नहीं आया होगा तो बी पेशेंट, बहुत जल्दी आने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट वाला अगेन अ वेरी पॉपुलर डिमांड, आप सभी लोग कहते हैं शिवोरी में जो भी आपके नज़र में पड़े विशाली हमारे साथ शेयर करना। तो शिवोरी प्रिंट में एक बहुत सुंदर सी ब्लू कलर की कुर्ती मुझे दिखी, तो मैंने आप लोगों के लिए ग्रैब कर ली। लुक एट द ब्यूटिफुल शिवोरी और टाई एंड डाई का प्रिंट। साइड पर आपको पैनल पे डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है, फ्रंट पे डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है, स्लीव पर बहुत सुंदर पैटर्न है, और ये ना बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन मटेरियल है, लाइक वॉश वगैरह होने के बाद भी ख़राब नहीं होगा ये, तो मैं अभी इसको टच करके ही पता लगा सकती हूँ। देखिए, इसमें मेरा साइज़ लार्ज है और इसका ब्रांड का नाम है रेशा। ये न्यू ब्रांड है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। तो फ्रंट से कुर्ती कुछ इस तरीके से दिखती है, बैक से भी सेम ही पैटर्न आपको कुर्ती का मिल रहा है। इसको भी मैं कहूँगी अगर प्लाजो के साथ ट्राई करोगे ना तो बहुत
मस्त लगेगा। और ना थोड़ा सा वॉश्ड या फिर रिब्ड जीन्स हो उसके साथ भी एक बहुत अमेजिंग कैजुअल लुक आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही वर्सेटाइल कुर्तीज़ है, ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट कुर्ती जो आपके साथ, कुर्ती नहीं अनारकली ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। मुझे एक्चुअली में बिलीव नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था ये रियल मिरर इसके अंदर लगे हुए हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी वाले मिरर है इसमें, बट इसमें फॉइल मिरर ही है। मुझे लग रहा था कि इसमें रियल मिरर है एंड तक। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने इसको ऐसी थोड़ा सा ना फोल्ड करके, पता लगता है ना कि असली है या फिर प्लास्टिक वाला, मैंने हल्का सा फोल्ड किया तो हल्का सा फोल्ड हो रहा था। अदरवाइज जब से ये मतलब ड्रेस मेरे हाथ में आया मुझे यही बिलीव हो रहा था कि इसमें रियल मिरर्स लगे हुए हैं। ये भी सांगा कुर्ती की तरफ से लार्ज मेरा साइज़ है, ग्रे कलर आपको मिलेगा। ग्रे कलर के साथ ना थोड़ा सा ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, आगे प्रिंट के साथ एम्ब्रॉयडरी का काम है और ये मिरर का वर्क है। देखिए कितना सुंदर शाइन कर रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा यार ये रियल ही है। और यहाँ पे गोल्डन कपड़े के साथ थोड़ा सा बटन दिए हुए जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। पूरी ही अनारकली कुर्ती में बहुत ही लाइट ना गोल्डन बेस पे ये देखिए फॉइल प्रिंट हो रखा है, और नीचे की तरफ यही मरून वाला पैटर्न है जो कि योक पार्ट पे है। इसका जो घेरा है वो बहुत यूज है और ना वो कलियों के साथ घेरा है तो काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे तो कंप्लीट फ्लोर लेंथ आ रहा था, मैंने बिल्कुल फ्लैट्स इसके साथ पहने थे तो ये मुझे कंप्लीट फ्लोर लेंथ आ रहा था। मेरी हाइट 5'2" है और ये वाला ड्रेस बहुत ही सुंदर होने वाला है। आप में से जिसको भी अपने साइज में मिले ना इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही सुंदर लगेगा। एकदम यूनिक शेड है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कुर्ती की तरफ चलते हैं, ये है कॉलर नेक की कुर्ती। बट ये वाला जो फैब्रिक है ना मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली में ये फैब्रिक क्या है। मुझे क्रेप सा फील हो रहा है बट समटाइम्स लीवा जैसा लग रहा है क्योंकि हैवी मटीरियल है। सो आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस मटीरियल, बट ये बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है, सॉफ्ट है। कॉलर नेकलाइन में इक्कत प्रिंट जैसा आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इक्कत एक्चुअली में है नहीं। इसके साथ मिलेगी कॉलर कुर्ती जो कि मैं बंटी बबली स्टाइल कुर्ती बोलती हूँ, सो मेरा साइज़ लार्ज है। और इसमें आपको मिल रही है स्मार्ट स्लीव, एल्बो स्लीव। मुझे लगता है कॉलर नेक के साथ ना एल्बो स्लीव ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है या फिर कट स्लीव। सो ये स्ट्रेट कुर्ती मिल रही है आपको, और इसमें ना नीचे की तरफ जो एजेस है इसके एंड्स है ये थोड़ा सा ए लाइन में जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती नहीं है। आगे से भी कटआउट है, ये देखिए पहना हुआ आप ट्राई ऑन में देख रहे हैं। बैक साइड से भी सेम प्रिंट आपको मिल रहा है। सभी के लिंक्स हॉल पैक में मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, चेक कर लीजिएगा, कमेंट में भी पिन कर दिया है। ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, अगर बहुत जल्दी में हो कमेंट नहीं कर पा रहे हो कोई गल नहीं यार, लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट फाइनल शो स्टॉपर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ बट इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। रामा ग्रीन कलर में फैब्रिक फितूर ब्रांड से बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती, ए लाइन अनारकलीज और स्ट्रेट कुर्तीज़, एकदम बोर हो चुकी हो ना पहन के, जस्ट गो फॉर दिस। इसको मैंने प्लाजो के साथ स्टाइल किया था और एक काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके साथ अगर आप एक पर्ल की चेन डालोगे ना, पर्ल की चेन नहीं पर्ल की माला डालोगे ना, वो बहुत सुंदर लगेगी क्योंकि पूरी कुर्ती में पर्ल का काम है। इस तरीके से ना कॉलर है, मतलब बैक साइड पर नहीं है, आप देख ही रहे हो मेरा साइज़ इसमें लार्ज है। और आगे की तरफ ना इस तरीके से फोल्डेड कॉलर्स है जिसमें थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। आगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ना मोती लगाए हुए हैं, और इसके स्लीव पर भी थोड़ा सा रोल्ड अप होके डिज़ाइन बना के पर्ल लगाया हुआ है। और इसके एंड्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये देखिए ये आप ट्राई ऑन में देख रहे हो, इसके एंड्स पर भी मोती एंड टैसल का काम है। और ये मोती ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, तो वाइट प्लाजो के साथ या वाइट स्कर्ट के साथ ये कमाल का जाएगा। सो अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई करना। ये मिलेगा आपको कॉटन मटेरियल में, और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्राइस और इसके ट्राई ऑन सभी आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी गॉर्जियस ऑप्शंस के साथ। और जितने भी गिव अवेज चल रहे थे उनके ऑलरेडी विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, जो भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में है वो मेरा कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नहीं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके रखो, वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट्स करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ। बाय।